हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं मतलब हर किसी का क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि हाउ टू परफेक्ट आउटलाइनिंग फेस। हर किसी का ये क्वेश्चन रहता है कि परफेक्ट आउटलाइनिंग कैसे करते हैं फेस का। अगर आपको आउटलाइनिंग अच्छा हो तो आपका जो फिनिशिंग है, जैसे शेडिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आउटलाइनिंग अगर परफेक्ट हो तो आपका पेंटिंग जो अच्छा दिखता है। तो आप आज ईजी मैथड बोलूँगी परफेक्ट आउटलाइनिंग का, जो हर कोई करता है, वो है ग्रेड लाइन। तो फर्स्ट देखिए, हम 1 इंच गैप लेके, फिर इस बीच में छोड़ के इसको, फिर 2 लेंगे, ऐसे ऐसे करते करते पूरा लाइनिंग करते जाएंगे, ठीक है। करेक्ट कर ले ताकि बाद में मिस्टेक ना हो। ये देखिए, पहले 1 इंच ऐसे ऐसे गैप करके ले लेंगे, फिर इसका 1 इंच गैप करके और एक ले लेंगे, एक एक छोड़ के एक एक ले लेंगे ऐसा। फिर ऐसा ही मेथड से इस साइड भी कर लेंगे, चारों साइड करना है यही मेथड से। देखिए, हमारा अब पूरा साइड हो गया है, अच्छी तरह से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, पूरा साइड में डॉट लगाना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट के साथ इस डॉट को लाइन देंगे, ऐसा ऐसा करके एकदम करेक्ट करके देना चाहिए ताकि हमारा आउटलाइनिंग भी परफेक्ट हो। ऐसा करके हम पूरे में कर देंगे। देखिए, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे इस लाइन के साथ इधर मिक्स करके। इसका थोड़ा जो पेपर है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि किसी का पेपर का भी रेफरेंस लेंथ ब्रेथ सेम नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो भी मेरे को बताना, डाउट में फिर मैं क्लियर कर दूँगी। अब इस लाइन के साथ इस लाइन को हम डॉट के साथ ये लगा दिया। देखिए, आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, वरना आप एकदम पूरा हल्का हल्का करके ही लेना। देखिए, हमारा पूरा बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। लेंथ में हमारा बॉक्स 10 होके कंप्लीट हुआ है, और ब्रेथ में 14 बॉक्स हुआ है, मतलब 14। तो अब जाके हम इसमें कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद फिर जाके इसमें आउटलाइनिंग करेंगे। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप अगर एंड तक देखते हो तो आप भी परफेक्ट आउटलाइनिंग सीख जाओगे। तो हमने ये देखिए, एक ऐप है ड्राइंग मेकर बोल के, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये रहा, इसको ओपन करते ही आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया है कृष्णा भगवान का। तो इसमें अब हमारा जितना नंबर कंप्लीट हुआ है बॉक्स में, वही डालेंगे अभी। तो ब्रेथ में हमारा कंप्लीट हुआ था 14, और लेंथ में 10 हुआ था। तो देखिए, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बट हमारा जो बॉक्स है वो इधर लंबा हो रही है, और हमारा एकदम परफेक्ट हुआ है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसे अभी कट करेंगे, कट करके फिक्स कर लेंगे। तो अब चलिए गैलरी में जाके इस फोटो को अभी क्रॉप करना पड़ेगा। अब देखिए, इतना तो क्रॉप कर दिया है, बाकी का बाद में देखते हैं कि इससे भी काम बनता है या फिर नहीं। तो देखिए, हमारा सेव हो गया है। अब जाएंगे ड्राइंग मेकर पे जाके फिर फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, फिर भी यहाँ पे नहीं बन रही है, और अगर ज़्यादा काटू फोटो तो हमारा जो फोटो है उसका ही पूरा लुक बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, बस आपको देखना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ तो लगभग हर टाइम होती है। तो ये ट्रिक आप देखिए, पक्का आपको काम आएगा। अगर काइनमास्टर हो तो काइनमास्टर ऑन कर लेना। काइनमास्टर ऑन करने के साथ ही आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो आपको जो ये प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट बोल के, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना रेशियो सिलेक्ट करना है 9:16, फिर इसको लाना है इस पर, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कौन सा भी एक कलर आप चॉइस कर लीजिए, मैंने ब्लैक चॉइस कर लिया।
फिर जाके लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया है, मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया के बाद जाके वही फोटो सिलेक्ट कर लेंगे हम। देखिए ये हमारा वही फोटो है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्क्रीनशॉट कर लिया। स्क्रीनशॉट करके अब पूरा क्या करेंगे, बैक कर देंगे। बैक करने के बाद गैलरी में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे स्क्रीनशॉट है। अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पोर्शन है वो कट करेंगे, साइड का कट नहीं करेंगे। फिर आपका जो लेंथ है आपका बराबर आ जाएगा। हम साइड का रहने दे रहे हैं, ऊपर का कट कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सेव। सेव होने के बाद फिर ड्राइंग मेकर में जाएंगे। ड्राइंग मेकर जाके वही फोटो ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ले लिया 10, हो गया। लेंथ में लेना था 10 यार, लेंथ में ले लिया 10। फिर ब्रेथ में लेंगे 14। अब देखिए हमारा जो लाइनिंग है वो आ गया परफेक्ट। देखिए आपका जो ड्राइंग है वो एकदम परफेक्ट नहीं, साइड में थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। तो फिर से जाएंगे गैलरी पे, गैलरी में जाके फिर से वो फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो साइड में थोड़ा सा और भी क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा फोटो जो हम जितना बनाना चाहते हैं वो परफेक्ट हो जाए। इधर कर लिया से, फिर जाएंगे ड्राइंग मेकर पे, वो वाला फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा जो बॉक्स है एकदम परफेक्ट आया है अभी। अब इस फोटो को देख के हम बना लेंगे। तो देखिए हमारा जो बॉक्स है एकदम कंप्लीट है, बिल्कुल इसके तरह। बाकी आप जूम आउट जितना भी करना चाहते हो इस ऐप पे आप कर सकते हो। आप क्लियरली देख सकते हो, अब्सॉर्ब करके पूरा क्लियर बना सकते हो। ठीक है, देखिए कितना अच्छा हुआ है, परफेक्ट एकदम। अब क्या करना है आपको, ये जो हमारा बॉक्स है उसको गिनना है कितना हुआ है बोल के। मतलब हम आँखों से स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसा करेक्ट कर लिया। 5 होने के बाद इधर से इधर तक कितना होता है हम देखेंगे। 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में आके जाके यहाँ पे स्टक हो रही है हमारे, जो यहाँ पे आई आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे भी 8 आया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जाके हमारा पूरा अच्छा होगा। तो देखिए हम अब ऐसे जूम कर सकते हैं। जूम करके अब इसको साइड में ऐसे बना लेंगे। एकदम इजी है ये मेथड और ये अच्छा है। बट ये करते करते इसका हैबिट हो जाता है। तो आप हमेशा फ्री हैंड का भी ट्राई करते रहिए कि फ्री हैंड भी आपको करना है, ये सोच लीजिए, ये अच्छा होता है। इसलिए इसका आदत मत डाल लेना। देखिए हमने एक आंख बना लिया है। अब दूसरे साइड वैसे ही हम ये दूसरा बना लेंगे। ठीक है, वैसे दोस्तों आप कौन सा ऐप का यूज़ करते हो वो भी कमेंट में बोल सकते हो, मैं भी तो देखूँ कि आप कौन सा ऐप का यूज़ करते हो। बाकी तो काइनमास्टर में बहुत ज़्यादा ही इजी है एडिट करना। आपको कौन सा ऐप अच्छा लगता है एडिट करने के लिए मुझे कमेंट में बताना, मैं भी ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर काइनमास्टर ही पसंद है। आपको कौन सा पसंद है आप बोल सकते हो। बाकी देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स आ रही है वो बॉक्स सेम फ़ोन में भी दिख रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि किधर से किधर लेना है आपका आउटलाइनिंग। तो देखते जाइए और अब्सॉर्ब करके बनाते जाइए, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक होता है हर किसी से। मतलब जो दिखता है बनाने के बाद कुछ और होता है, इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करते जाओ
तो फिर आपका भी आउटलाइनिंग अच्छा होता जाएगा। मेरा भी खास उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं भी फ्री हैंड बनाती हूँ। हर मेथड से यूज़ करना चाहिए, जैसा लूमिस मेथड, फ्री हैंड प्लस, मतलब आपको जितना भी आता है आप उतना ट्राई करते रहना, हर मेथड से ट्राई करते रहना, ताकि हर मेथड आप बना पाओ। धीरे धीरे आप सब लाइन में परफेक्ट होते जाओ। और हाँ, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क करके आउटलाइनिंग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, इसलिए मैं थोड़ा डार्क करके कर रही हूँ। बाकी आप बहुत हल्का करके कीजिए क्योंकि आपको कलर भी करना है, इसलिए हल्का करके लीजिएगा। बाकी बाद में मैं इरेज कर दूंगी जब इसको कलर करूंगी। आप देखते रहिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। और इसमें भी मिस्टेक होता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें मिस्टेक नहीं होता क्योंकि पूरा बॉक्स है, बट नहीं, इसमें भी मिस्टेक होता है। तो प्रॉपर से आप बनाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपके स्किल्स के ऊपर है पूरा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका इम्प्रूवमेंट उतना ही होगा। तो आप थोड़ा सा आउटलाइनिंग में पहले ध्यान दीजिए, बाकी बाद में शेडिंग होते रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा आउटलाइनिंग जो है कंप्लीट है। आपको कैसे लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके